सो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द एनिमी न्यूज में। यह है राइज ऑफ ज़ोंबीज़ का एपिसोड 4। अगर आप सबने इसके एपिसोड 1 एंड 2 एंड 3 नहीं देखे है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब जाके देख सकते हैं। एंड हाँ गाइज, ये हमारा सीजन 2 है। अगर आप सबने सीजन 1 भी नहीं देखा है तो गाइज उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब जाके उसे भी देख सकते हैं। सो गाइज एंजॉय करो इस पार्ट को, लेट्स बिगिन। ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। जैसा कि हम सबने पार्ट 3 के लास्ट में देखा था, जो बर्डमैन होते हैं वो पयान को, वो भी को और पाको को वही स्टोरी सुनाते हैं उस एक्सिको प्लैनेट की, कि कैसे एक्सिको प्लैनेट दबा हो गया था। एक्सिको प्लैनेट भी पृथ्वी जैसा एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट था, बहुत ज़्यादा शांत था, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ पर भी मैंने तुम जैसे बहुत सारे अच्छे परमैन को असाइन किया हुआ था। वहाँ पर वो सभी परमैन बहुत अच्छा काम करते थे, पर किसी एक दिन, वो भी बहुत ज़्यादा मनुष्य दिन था, उस दिन एक डेविल वहाँ पर आ गया। उस डेविल ने एक बहुत ही ताकतवर परमैन को अपने वश में कर लिया, उसको लालच दे दिया और अपने वश में करके उसके परमैन सेट में से वो सारी पावर निकाल के उसके अंदर डाल दी और साथ में कुछ शैतानी पावर भी मिक्स कर दी, जिससे वो एक बहुत ही बुरा परमैन बन गया। वो हमारे खिलाफ जाकर हमसे ही लड़ाई करने लगा। उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। मुझे जब तक पता चला बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, अब मैं भी उसका सामना नहीं कर सकता था। मेरे जैसे 10 परमैन भी उसको नहीं हरा सकते थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, साथ में उस डेविल की पावर थी और एक तरह से वो प्लैनेट पूरी तरह से तबाही हो चुका था। तभी हमारा फरिश्ता, हमारा रक्षक आया, जिसको मेरे पूर्वजों ने असाइन किया था। वो उससे बहुत ही साहस से लड़ा और उसने अपनी जीत को मुट्ठी में कर ही लिया था और उसको मार ही दिया था बुरे परमैन को। पर तभी जो डेविल था उसको लगने लगा कि वो हारने वाला है, उसने उस बुरे परमैन को खुद मारकर उससे सारी शक्तियाँ निकाल कर मेरे अंदर डाल दी। हाँ, तुम सबने बिल्कुल सही सुना, मेरे अंदर। तो सभी पाको प्यान वो भी बोलते हैं, फिर क्या हुआ बर्डमैन? बोला आपके अंदर डाल दी उसने, फिर हुआ क्या? तभी बर्डमैन बोलते हैं, मैं उसके वश में हो गया, मैं उसी रक्षक से लड़ने लगा। वो रक्षक चाहता तो मुझे मारकर अपने प्लैनेट को बचा सकता था, पर उसे मारा नहीं। उसने मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा मार भी खाई, पर उसने मुझे मारा नहीं। हाँ, तुम सबने बिल्कुल सही सुना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे आज भी वो याद है। तो पाको पयान बोलते कि बर्डमैन की वो मर गया, अब मतलब वो जिंदा नहीं है। तो बर्डमैन बोलते रुको जरा, मैं बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी बताऊँगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं, फिर हुआ ऐसा, जो डेविल था वो बोला मैं बर्डमैन को छोड़ दूंगा, बदले में मुझे ये प्लैनेट चाहिए। तभी वो मान गया हमारा मेरा रक्षक, उसने उस प्लैनेट को उसको सौंप दिया और बोला बर्डमैन को छोड़ दो। डेविल ने मुझे छोड़ दिया, पर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब मर गए, क्योंकि जो हमारा रक्षक था उसने वहाँ पर अपनी सारी पावर्स को अपने शरीर से निकाल कर और उससे लड़ने लगा डेविल से। मुझे भी बचा लिया, पर उन्हें भी बचा ही लेता, पर डेविल ने उन सबको मार दिया और वहाँ से भाग निकला। डेविल भी बच गया, पर वो अच्छा जो परमैन था, हमारा रक्षक था, उसकी आत्मा वहाँ से निकल कर उस एक्सिको प्लैनेट से उसी प्लैनेट पर चली गई, जहाँ पर आज उस परमैन से ऐसे लड़ने की पावर है। हाँ, वो ही पावर है, वो ही हम सबको बचा सकती है, एक लौता वही हथियार है, वही अच्छा परमैन। पर अब वो किसी की मदद नहीं करता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दुख है उस एक्सिको प्लैनेट को ना बचाने का। तो तुम सबको शायद तुम सबके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, सभी रोने लग रहे होते हैं, पाको भी रो रही होती है, पयान भी रो रहा होता है और बोबी भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हुआ होता है, यहाँ तक कि बर्डमैन भी रो रहे होते हैं। पयान नीचे मुकर कर बोलता है, तो बर्डमैन, इसका मतलब हमारी जो अर्थ है वो भी खतरे में है। उसकी आग से निकल कर एक आंसू जमीन पर पड़ता है। बर्डमैन बोलते हैं, हाँ पयान, तुम ठीक बोल रहे हो, हमारी जो अर्थ है वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में है। अर्थ छोड़ो, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, और मैं नहीं चाहता कि कोई मरे दोबारा, वो सब हो, उस सब में मैंने बहुत कुछ खोया था और नहीं चाहता हूँ फिर दोबारा वो हो। रोने लग जाते हैं बर्डमैन बहुत ज़ोर ज़ोर से। पाको उठती है, बोबी भी उठता है, पयान भी उठता है और बर्डमैन को गले लगा लेता है और बोलता है, बर्डमैन देखो, इस सब में बेशक से हम सब की जान जाए, पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होने देंगे,
तो बर्डमैन बोलते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी भी जान जाए। मेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ पर तुम सबकी नहीं ले सकता, इसलिए अब फिर बोल रहा हूँ कि तुम इस मिशन में मेरा साथ मत दो, ये मिशन छोड़ दो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तीनों बोलते हैं, बर्डमैन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम इसमें हिस्सा लेंगे नहीं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे होते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने तुम सबको परमैन बनाया और मुझे तुम सब पर बहुत ज्यादा नाज भी है। पार्को बोलती है, बर्डमैन अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें जाके उससे लड़ना चाहिए और अपने मिसों को ले आना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर। तभी पैन बोलता है, पर हमें वो मिलेगा कहाँ मिसो, और हम करेंगे क्या सबसे पहले। बोलते हैं, सबसे पहले तो हम मिसो को उसके शैतान के चंगुल से निकालेंगे और कोशिश ये रहेगी कि मिसो को उसकी याददाश्त वापिस आ जाए, वो हमारा पहले जैसा मिसो बन जाए। तो मेरे पास एक प्लान है, सुनो पयान, तुम जाओ एक स्टूडियो अरेंज करो और उस स्टूडियो में उसको धमकी देंगे हम कि आ जाओ शैतान, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। तो वो मिसो को ही भेजेगा, तो हम उसको वहाँ पर पकड़ के, मतलब तुम सब पकड़ना उसको और उसको याद दिलाने की कोशिश करना। मैं ये देखता रहूँगा दूर से कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और पूरे पृथ्वीवासी को ये पता चल जाना चाहिए कि परमेंस वापिस आ गए हैं, ताकि वो डरे ना, कि उसमें एक और हौसला जाए जाए कि परमैन आके अब हमको बचा लेंगे, क्योंकि सभी पृथ्वीवासी बहुत ज़्यादा डरे होंगे क्योंकि अब उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं है। तो पयान ऐसा ही करता है, एक स्टूडियो को अरेंज करता है और सभी न्यूज चैनल वालों को वहां पर बुला लेता है। परमैन बोलते हैं, पाको सुनो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तो तुम्हारा है, तुम्हें मिसो को याददाश्त वापस दिलानी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम मिसो से प्यार करती थी और मिसो भी तुमसे प्यार करता था और शायद वो तुम्हें देख के उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसको वो बातें याद दिलाना कि जो उसको सुनकर वो उसकी याददाश्त वापस जरूर आ जाए। ठीक है पाको, मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और इसमें तुम्हारा फेस भी रिवील हो सकता है, पर कोई नहीं, अगर फेस रिवील होने की नौबत आती है तो तुम कर देना, डरना मत, आगे मैं देख लूँगा। और वो भी तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुम उसको भी चलाए रखना ताकि किसी को भी चोट ना लगने पाए, तुम पाको की रक्षा करोगे ताकि पाको को चोट ना लग सके। ठीक है पाको, जाओ जाओ तुम सब। गाइस एक मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहा होता है, वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पयान एक स्टूडियो का अरेंजमेंट कर लेता है, सभी न्यूज चैनल्स को वहां पर बुला लेता है। न्यूज चैनल्स के आगे आता है पयान, बोलता है, सुनो शैतान, हम सब पर मैन वापिस आ चुके हैं और मैं तुमको धमकी दे रहा हूँ, आ जाओ इस ग्राउंड में, आगे देखते हैं कि इसमें कितना है दम। वो न्यूज़ उस शैतान तक पहुँच चुकी थी। वो शैतान उस मिस्तों से बोलता है, जाओ सेनापति, इन सबको ख़त्म कर दो, इन सब ने मेरे रास्ते के बीच में आने की कैसे हिमाकत की, कैसे ज़रूरत की इन्होंने मेरे रास्ते के बीच में आने की, जाओ ख़त्म कर दो इन्हें। तो वो बोलता है, जैसा मेरे आका आप बोले मैं वैसा ही करूँगा। वो जाता है और गाइस वो खुले मैदान में थे पयान और सभी न्यूज़ वाले, वो जैसे ही वहाँ पर जाता है हंसने लग जाता है, तुमने मुझे ललकारा। और गाइस वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं और पयान बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। पयान उसके पास जाता है पर जो वो बुरे वाला परमैन था, मिसो था, वो उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा मारता है। पयान बहुत दूर जाके पड़ जाता है, तभी वो भी आता है, वो भी उससे लड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार युद्ध होता है गाइस, मैं आप सबको बता नहीं सकता हूँ। तो वो भी जब बहुत ज़्यादा पिटने लग जाता है, वहाँ पर पाको आ जाती है, पाको अपना फेस मिसो के आगे लाके रिवील कर देती है, मैं तुम्हारी पाको। मिसो का हाथ 2 मिनट के लिए रुक जाता है, मिसो पाको के मुंह पर मार ही रहा होता है पर वो रुक जाता है, अपने सिर को पकड़ लेता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तुमको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो पाको बोलती है, तुम मुझे भूल गए मिसो, मैं तुम्हारी पाको। वो बोलता है, मैं किसी को नहीं जानता और मैं मिसो नहीं हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा गाइस जोश लगा रहा होता है, मतलब उसका सर पटने को हो रहा होता है, वो वहाँ पर बेहोश होकर पड़ ही जा रहा होता है पर एकदम उसमें होश आता है, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। देखते हैं हम आगे, बर्डमैन उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं, रुको मिसो, उसके सर पर एक बंदूक लगा देते हैं, एक गन, जिससे उसको एक झटका लगता है। वो झटका लगने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर पड़ जाता है। वो जैसे ही ज़मीन पर पड़ रहा होता है, हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट हो गया अपने आप, उसका कुछ भी अता पता नहीं दिखता। बर्डमैन भी चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। पयान बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, अब वो नहीं लड़ सकते थे, वो खूनम खून हुए थे, उन्होंने अपना 100% दिया और बहुत जाबाजी से लड़े पर वो हार गए, वो वहीं पर पड़े थे। हम देखते हैं पाको को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा घायल थी क्योंकि मिसो ने उसको बहुत ज़्यादा धकेल के मारा था, वो ज़मीन पे जाके पड़ी होती है और उसका हेलमेट भी निकला हुआ था जब वो अपना फेस रिवील कर दिया था उसने। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि जो पाको है वो ही मिसो मेरे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर थे, उसका फेस रिवील हो चुका था। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी दोस्तों, हम देखते हैं जो बर्डमैन थे वो चौंके हुए थे,
की, वो कहाँ गया मिसो? बुराई वाला मिसो कहाँ गया? हमको कहीं दिख नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं वो बर्डमैन के एकदम पीछे आ जाता है और बर्डमैन को बहुत जोर से मारता है, जिससे बर्डमैन बेहोश होकर पड़ जाते हैं। बर्डमैन को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, वो बर्डमैन को वहाँ से उठा के एकदम गायब हो जाता है। वो बर्डमैन को वहीं पर ले जाता है अपने डेविलियो के पास। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पाको को होश आता है। पाको, बॉबी, पैन एक हॉस्पिटल में एक कमरे में थे, वो लेटे हुए थे तीनों। उनकी आँखें खुलती है, वो बोलते हैं हम कहाँ हैं, हम यहाँ पर कैसे आए। उनके सामने बर्ड वूमेन आती है, बोलती है मैं तुमको यहाँ पर लेके आई हूँ, तुम्हें आज एक हफ्ता हो चुका है, तुम कोमा में थे। वो चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने लड़ाई की थी, अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी उस परमैन मतलब मिसो से लड़ाई हुई थी। तभी वो बोलते हैं उस बातों को एक हफ्ता हो चुका है और हमने बर्डमैन को भी खो दिया है। बर्डमैन को भी उस डेविल ने अपने साथ ले गया और कुछ भी पता नहीं है बर्डमैन का। पाको चौंक जाती है, बॉबी भी चौंक जाता है, पैन भी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़ाई में मतलब बर्डमैन भी चले गए, पर मेरी रोबोट का क्या हुआ, मतलब मेरा तो फेस रिवील हो चुका था ना। बर्ड वूमैन आप बताइए क्या हो रहा है ये, और आप हमको जानती है, मतलब कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो फिर बेहोश होकर पड़ जाते हैं तीनों। थोड़ी देर बाद उनकी आगे फिर खुलती है। बर्ड वूमैन बोलती है तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं तुमको सारी बातें बताती हूँ क्या क्या हुई थी। देखो हमें पता था कि पृथ्वी पर कुछ खतरा आने वाला है, जैसे तुम्हें बर्डमैन ने बताया। मैं बर्डमैन को अकेला नहीं भेज रही थी, मुझे पता था कि कुछ ज़्यादा बड़ा खतरा जरूर होगा, पर यह नहीं पता था कि इतना बड़ा खतरा होगा एक्सिको प्लैनेट जैसा। वो सारी बातें वही बताती है और बोलती है बर्डमैन ने मुझे बता दिया था, मैं आई रही थी तभी मुझे पता चलता है कि बर्डमैन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और मैंने तुमको भी बहुत ही मुश्किल से बचाया, नहीं तो शैतान ने तुम्हें भी खत्म कर ही दिया था, तुम्हें टेलीपोर्ट करके अपनी स्पेसशिप में ले आए। क्या हम स्पेसशिप में अभी? नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो खिड़की से बाहर देखते हैं, हाँ वो स्पेसशिप में थे। तो बोलते हैं पृथ्वी का क्या हुआ, मतलब खत्म हो गई पृथ्वी? तभी बर्ड वूमैन बोलते नहीं अभी खत्म तो नहीं हुई, पर सभी लोगों को उन्होंने अपने वश में कर लिया, मतलब अब बंदी बना लिया, उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने कदमों में कर लिया, अपने वश में कर लिया, अब वो राज कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी अकेले, मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है, मैं जो उससे लड़ती, अगर उससे लड़ती तो हम सब खत्म हो जाते, कोई भी आखिरी उम्मीद नहीं बचती, अब आखिरी उम्मीद तुम सब हो, जाओ लड़ो उससे। तो वो बोलते हाँ मैं अभी जाती हूँ, पर हम लड़े कैसे, मिसो को भी याद नहीं आ रहा है कुछ भी। तो तभी बर्ड वूमैन बोलती है हाँ इसीलिए मैं तुम सबके लिए कुछ लाई हूँ। पहले तो उन्हें कुछ लॉकेट्स देती है और बोलती है ये लॉकेट है, इससे वो डेविल तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएगा, लो। तो तभी पाको बोलती है थैंक्स इसके लिए, तो बर्ड वूमैन एक फ्लावर और देती है, वो बोलती है लो ये फ्लावर, और ये बस एक ही बार काम आएगा और मेरे पास बस ये एक ही है, तो इसका बहुत ही अच्छे से यूज करना, इससे क्या होगा जो भी डेविल के वश में होगा वो उसके वश से बाहर आ जाएगा और दोबारा डेविल उसको अपने वश में नहीं कर पाएगा थोड़े समय के लिए, तो तुम इसे मिसो को सुंघा देना जिससे मिसो उसके वश से बाहर आ जाए, और ये बटन लो इसको एकदम दबा देना, मैं तुम सबको टेलीपोर्ट कर दूंगी, और हो सके तो मेरे बर्डमैन को भी बचा लेना। वैसे मुझे पता है बर्डमैन को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर क्या पता कुछ भी हो सकता है, डेविल भी कम ताकतवर पर नहीं है। तो लो ये सभी हथियार लो और जाओ लड़ो। तो पाको, बॉबी, पैन लड़ने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर डेविल का राज था, सभी लोगों पर बहुत जुर्म कर रहा था डेविल। डेविल अपने ऑफिस पर बैठा था, मिसो भी अपने दूसरे ऑफिस पर बैठा था। तो वो जाते हैं उस डेविल की नगरी में, वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार थी, वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा लोग थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाते हैं मिसो के पास, मिसो के ऑफिस में, मिसो उनको कहीं पर नहीं मिलता, वो वहाँ पर और भी जो डेविल के रख सकते वो थे, उसके आदमी डेविल के, वो उनसे लड़ते हैं। उन सबको वहाँ पर पता चल जाता है कि कोई हमारी नगरी में आया है, वो उससे लड़ते हैं। पाको भी उससे बहुत ज़्यादा लड़ती है, वो भी पैन को वो पकड़ लेते हैं, बट पाको के आगे एकदम मिसो आ जाता है, मिसो उसको पकड़ लेता है। पाको अपना हेलमेट निकालती है और बोलती है मैं तुम्हारी पाको, मुझे पहचानो। एकदम वो बोलता है नहीं मैं नहीं जानता तुमको, और मैं मिसो नहीं हूँ, और कौन हो तुम पाको, मैं नहीं जानता। उसको बहुत ज़ोर से मारता है, पाको बहुत दूर जाके लगती है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। पाको तभी एकदम फूल निकालती है और उसके ऊपर फेंकती है, वो हट जाता है और बोलता है इस फूल से मेरा क्या होगा। उसको बंदी बना लेता है, उन तीनों को बंदी बना के अपने शैतान के आगे ले जाता है और उस फूल को भी अपनी जेब में डाल लेता है, फूल को भी अपनी जेब में डाल लेता है और ले जाता है उन सबको डेविल के पास। डेविल आगे एक चेयर पर बैठा था,
और बोल रहा था अब हमें इनको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यही आखिरी वो लोग है जो हमें हरा सकते हैं उस भविष्यवाणी के हिसाब से। और बर्डमैन भी अब कुछ नहीं कर सकते, लेके आओ बर्डमैन को भी, बर्डमैन एक पिंजरे में बंद थे, उनको भी लेके आते हैं और बोलते हैं तुम भी पकड़े गए, मैंने बोला था तुम भाग जाओ, नहीं लड़ना था मेरी वजह से हुआ, अब ये तुम्हें भी खत्म कर देगा, नहीं होना चाहिए था। बर्डमैन बहुत जोर से रो रहे थे। तभी मित्सो वो डेविल जो बुरा परमैन बन चुका था अपनी जेब से उस फूल को निकालता है और उस डेविल को बोलता है ये इससे मुझ पर हमला कर रही थी, ये सोच क्या रही थी इससे मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और उस फूल को सूंघ लेता है। तभी मित्सो का दिमाग चलने लग जाता है, पूरा घूम रहा होता है गाइस, इतनी तेजी से घूम रहा होता है, मतलब आपने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी होगी जितनी तेजी से मित्सो का दिमाग घूम रहा होता है, बहुत ज्यादा घूम रहा होता है, वो बेहोश भी होने वाला था। तभी डेविल बोलता है क्या हुआ मित्सो तुम्हें क्या हो रहा है, नहीं मित्सो सेनापति तुम्हें क्या हो रहा है, मित्सो नहीं क्या हूँ मैं, नहीं मैं मिस्सो नहीं हूँ मैं मिस्सो हूँ, वो घूम रहा होता है उसका दिमाग, एकदम बेहोश होकर पड़ जाता है। पाको बोलती है मिस्सो तुम मेरे मिस्सो, पाको का जो परमैन सूट था वो रोशनियाँ छोड़ने लग जाता है फिर से, वो भी पैन का भी परमैन सूट रोशनियाँ छोड़ने लग जाता है, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, जो उन रस्सी उन पर बंधी हुई थी वो अपने आप खुल जाती है, जिस पिंजरे में वो बंद थे वो टूट जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद उनमें एक अलग सी रोशनी दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति को मतलब महसूस कर रहे होते हैं, वो वहां पर सबसे लड़ने लग जाते हैं, जितने भी लोग वहां पर आते हैं वो सबसे लड़ जाते हैं, जो डेविल होता है वो भी लड़ता है, पर डेविल थोड़ा सा हारने लग जाता है, वो वहां से भाग जाता है, बर्डमैन को वो छुड़ा लेते हैं वहां से, और जो कि होता है मिस्सो, मिस्सो की यादाश्त वापिस आ ही रही होती है, तभी डेविल उसको उठा के लेके जा रहा होता है, पीछे से पाको आके डेविल को मारती है और मिस्सो को पकड़ लेता है। वो डेविल अपना बुरा रूप दिखाता है और मिस्सो में जितनी भी पावर थी वो सब अपने अंदर ले लेता है और लड़ने लग जाता है, और उसका कोई भी सामना नहीं कर पा रहा था, सभी परमैन मिलके, मिस्सो के पास तो कोई पावर ही नहीं थी, मिस्सो को रहा था मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर, नहीं मैं मिस्सो हूँ, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं, और वो ये सब लड़ाई होते हुए देखता है कि ये हो क्या रहा है। बर्डमैन एकदम आगे आते हैं और उस डेविल का वार अपने ऊपर ले लेते हैं, बर्डमैन के जो शरीर था वो बिल्कुल टूट जाता है, हाँ आप सबने बिल्कुल सही सुना, उसमें से बहुत बहुत जोर की रोशनी निकलती है, जो पाको होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो भी पैन का हाथ पकड़ती है और मिस्सो का भी हाथ पकड़ के उस लाल बटन को दबा देती है, लाल बटन दबाते ही उनको अपनी स्पेसशिप में वापस बुला लेती है। स्पेसशिप में जाने के बाद बर्डमैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है मिस्सो को देखने के बाद, मिस्सो को थोड़े चक्कर आ रहे थे, बोल रहा था कि क्या हो रहा है, जो मिस्सो था वो पाको की गोद में था, उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुश हो जाती है मतलब बर्डमैन, बर्डमैन बोलती है कि बर्डमैन कहाँ है, वो सब रोने लग जाते हैं, पाको बर्डमैन वुमैन के गले मिलकर रो रही होती है मिस्सो को नीचे रखकर कि हम बर्डमैन को नहीं बचा पाए, बर्डमैन ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, बर्डमैन नहीं रहे, क्या ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये बर्डमैन नहीं जान दे सकते, क्या बोल रही हो पाको तुम, ऐसा नहीं हो सकता, बर्ड वुमैन ऐसे चिल्ला रही होती है। तभी पाको बोलती है ऐसा ही हुआ है, मुझे पता है आप पर क्या बीत रही होगी। सो गाइस तो ये था हमारा पार्ट 4, एंड हाँ गाइस अगर आप सबको पार्ट 5 देखना है, सो गाइस इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं 400 लाइक्स, सो गाइस जल्दी से 400 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए, आपको पार्ट 5 मिल जाएगा। एंड हाँ दोस्तों मुझे पता है मैं ये वीडियो लाने में बहुत ज्यादा लेट हूँ, सो गाइस इसके लिए भी मुझे माफ कर देना, और हाँ दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताओ आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगती है तो यार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एक एनिमे फैमिली का हिस्सा बन जाना, जो कि गाइस बहुत ही बेहतर बात है। एंड हाँ दोस्तों मुझे पता है ये वीडियो तो यार आप सबको थोड़ी सी कम ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि गाइस इसकी एडिटिंग एंड वॉइस ओवर थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं था, प्लीज इसके लिए भी मुझे माफ कर देना, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी, एंड वीडियोस गाइस जल्दी जल्दी आने की पूरी कोशिश रहेगी। और हाँ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, सो दोस्तों जैसा कि आप सब में से बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं एक कोलैबोरेशन मूवी ला रहा हूँ इस भाई के साथ, अगर आप सबको नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, हाँ दोस्तों हम एक मूवी लाने जा रहे हैं, वो एक कोलैबोरेशन मूवी होने वाली है, और हाँ दोस्तों उस मूवी का नाम होने वाला है पावर ऑफ लव, सो गाइस नाम ही इतना बेहतरीन है, तो गाइस मूवी कितनी ज्यादा ओपी होगी और गाइस उसकी एडिटिंग भी बहुत ज्यादा ओपी होने वाली है, साथ ही साथ उसकी वॉइस ओवर की। एंड हाँ गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कल उसका प्रीमियर है, आप सबको आना है, उसके प्रीमियर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सबको जरूर आना है, और वो प्रीमियर होगा इस भाई के चैनल पर, और गाइस प्रीमियर से पहले ही आ जाना, वहाँ पर सब बातें करेंगे, हम सब भी होंगे, सो गाइस जितने लोग आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सब आना, सो गाइस मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग स्पॉटिंग, बाय बाय। सौदा नहीं प्यार था भी।
बिन शर्त।